हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे हम कनेक्टिविटी की और डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए एक चुनौती बहुत ही बड़ी होती जा रही है, और वो है हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको सिक्योर रखना, उसको सुरक्षित रखना। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का वो ये है कि जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है डे बाई डे। और जैसे जैसे ये स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है स्मार्टफोन्स की, हमको कहीं ना कहीं एक आदत पड़ती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करने की अपने डिवाइसेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि ऐप्स का यूज़ करते हैं, वेबसाइट का यूज़ करते हैं यूज़र्स को हैक करने के लिए, उनकी जो पर्सनल डाटा है उसको लीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मालवेयर्स होते हैं उन ऐप्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू आते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, और वो आपके जो डाटा होता है उसको लीक कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स की, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो पर्सनल डाटा है मोबाइल का वो कहीं ना कहीं सिक्योर रह पाएगा और वो सेफ रहेगा इस टिप्स के जरिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है वो है अपने स्मार्टफोन को लॉक्ड रखना। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कितनी बार आपने अपने स्मार्टफोन को किसी को यूज़ करने के लिए दिया है, फिर चाहे वो किसी कॉल करने के लिए या फिर किसी को गेम खेलने के लिए या फिर कोई वीडियो देखने के लिए या किसी म्यूज़िक सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब नहीं पता होता, जब भी आपका स्मार्टफोन में कोई लॉक नहीं होता तो आपको ये नहीं पता होता कितनी बार उसको यूज़ किया गया है किसी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आपके पर्सनल डाटा की जो मोबाइल फ़ोन के अंदर है, तो वो एक खुली किताब की तरह है, उसको कोई भी पढ़ सकता है अगर आपके मोबाइल पर कोई लॉक नहीं है, और उसको आसानी से शेयर भी किया जा सकता है एक से दूसरे डिवाइस में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक रखिए, क्योंकि जब भी आपका इस्तेमाल करेगा कोई स्मार्टफोन को तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बार लॉक खोलने को जरूर बोलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आपके फ्रेंड्स तक या कलीग्स तक या फिर जो आपको नहीं जानते उन तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं घर पर और उनके सामने ये तरीका यूज़ करते हैं तो उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी एक चीज़ बनाई है कंपनीज़ ने, हर मोबाइल जो कंपनी है उसका जो फाइल मैनेजर होता है स्मार्टफोन के अंदर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिया होता है जिसके अंदर आप अपने कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स या फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं तो वो तरीका वहाँ पर आपको यूज़ ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने मोबाइल को लॉक भी कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं तो आपको ये तरीका जो सेकंड वाला है कि अपने फाइल मैनेजर अंदर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है जिसके जरिए आप अपनी फाइल्स को या फोल्डर्स को लॉक कर सकते हैं, और वो हर एक कंपनी प्रोवाइड कराती है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी बात है जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो आपकी है परमिशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार आपने ऐसा देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आपसे कई सारी परमिशंस मांगी जाती हैं जिनको आप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते और उनको अलाउ कर देते हैं जैसे ही वो मांगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर परमिशंस हो सकती हैं आपकी गैलरी की, आपके कैमरा की, आपकी GPS लोकेशन की, तो ये आपको नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक मोबाइल फ़ोन यूज़र के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है इन्हीं चीज़ों का। आपको ये देखना है कि जो ऐप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो परमिशंस वो मांग रहे हैं, क्या उनको एक्चुअल में उसकी नीड है, या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप कहीं ना कहीं कोई कैमरे का काम कर ही नहीं रहे हैं और वो भी आपके कैमरा की परमिशन मांग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो डाटा होता है उसको वो चुरा देते हैं, चुरा कर उस मार्केटर्स को बेच देते हैं, जो मार्केटर्स उसको बाद में बेचकर अपना फ़ायदा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इससे बचने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर और ऐप्स के अंदर जाकर, आपको पर्टिकुलर ऐप्स के अंदर जाकर देखना है कि वो जो एप्लीकेशन परमिशंस मांग रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट हैं या फिर उसको नीड है उस चीज़ की। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये परमिशन इसको नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो परमिशंस वाली प्रॉब्लम है इनसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तीसरी प्रॉब्लम है जिसको आपको खास ख्याल रखना है वो है वाईफाई। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कुछ फ्री इंटरनेट के चक्कर में अपना जो डाटा होता है, जो आपको कहीं ना कहीं कीमती डाटा होता है, उसको खो बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी बाहर जाएं किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो पब्लिक प्लेस वाले वाईफाई को मोस्टली आप अवॉइड करें, उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वाईफाई भी एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका पर्सनल डाटा आप किसी और के पास जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फ्री वाईफाई के चक्कर में ऐसा बिल्कुल ना करें अपने साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स भी दिए जाते हैं जो कि आपकी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं वो सिक्योर करते हैं। तो अगर आप किसी का वाईफाई यूज़ भी करते हैं आउटसाइड, तो उस फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स के अंदर इस धोखाधड़ी से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स बताई हैं आपको, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पर्सनल डाटा है यानी कि निजी आपका जो डाटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं होप करूंगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।